इस समय ये जो आप हंगामा देख रहे हैं, ये हंगामा इंदिरा चौक में हो रहा है। और ये जो आप ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में इन फीमेल्स को देख रहे हैं, ये आशा वर्कर्स हैं। और आज ये एक प्रदर्शन यहाँ पर इनके द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर यहाँ एक तरफ हमारा प्रोग्राम ट्रैक्टर मिशन के बाद ये लोग अपनी ड्यूटीज भी परफॉर्म करते हैं, और दूसरी तरफ आज ऐसी क्या वजह है कि ये लोग बाहर हैं? क्या वजह है आप लोग आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं? हमारी ना कोई पे है ना कोई कुछ है, हर एक काम हमारे से कराया जाता है, हमारी कोई पे नहीं है। हर एक काम आशा से रहते हैं, हर एक काम। हाँ। आशा वर्कर ने कोरोना में किस तरह का काम किया? कोरोना में फ्रंट लाइन पे रह के काम किया आशा वर्कर ने, लेकिन जब मिनी वेज देने का टाइम आता इनसे मांग के लेना पड़ता है हमें। कब तक के आपके जो वेजेस हैं वो पेंडिंग है, आपको नहीं मिले हैं? 6-6 महीने से देते ही नहीं है। जो भी काम करना हो, वैक्सीन लेने, बच्चों को इकट्ठा करने के लिए, जो भी मतलब हर एक काम रजिस्टर पेंडिंग पड़े हैं वो भी आशा ही करेगी। तब आशा वर्कर जाएगी, डिलीवरी करवाएगी, फिर इंजेक्शन लगेंगे जब बच्चों को। सिर्फ BCG जो है वो इधर लगता है इंजेक्शन शालामार में, बाकी सारे इंजेक्शन हमारे सब सेंटरों में लगते हैं। और जो वैक्सीन है वो भी हम खुद लेके आते हैं। कहाँ से आप लोग इकट्ठा हुए हैं आज? कहाँ की ये सारी आशा वर्कर? बड़े दूर ब्लॉकों से आए, हर ब्लॉक से आए। आप किस ब्लॉक से आए? मैं सवाइया ब्लॉक से। तो कितना मतलब आपने काम तो किया जिस तरह कोरोना में? हमें सर्वा कराते हैं, हर काम कराते हैं, धूप गर्मी में जून जुलाई में हमें काम करवाया। हमें कोई तनख्वाह नहीं, कोई पैसे नहीं दे रहे, वैसे मांगो बहुत है, पीछे पैसा नहीं आया। अगर ये बात भी उठ कर जाना पड़ता है, जब डिलीवरी लेडीज फोन करती है हमें रात भर उठ के जाना पड़ता है, लेकिन कोई हमें देखता नहीं है। अब कोरोना में काम कर रहे हैं, उधर हमारी कुत्ते ही ऐसी हालत करती है, वो बेइज्जती कर करके निकालते हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस पेंडेमिक कोरोना के दौरान, क्योंकि जब फर्स्ट वेव शुरू हुई तो जहां फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर डॉक्टर्स थे, पुलिसकर्मी थे, आर्मी के जवान थे, मेडिकल स्टाफ के लोग थे, तो ऐसे में आशा वर्कर्स ने भी एक अहम रोल प्ले किया है। आशा वर्कर्स भी पीछे नहीं रही हैं और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि वेजेस भी नहीं हमें मिल रहे और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। कितनी देर से वेजेस नहीं मिले हुए हैं? सर मिलते हैं 2-4 महीने के बाद, 2000 मिलता है, 2100 मिलता है। सर फोन का 100 रुपया देते हैं सर, 100 रुपये से कोई फोन चलता है तो जो जब हम किसी के लिए बोलते हैं तो हमें धमकी देते हैं। लोग सेवा करो। कोरोना के दौरान किस तरह का काम किया? कोरोना काल में सर हमने डट चढ़ के काम किया और अपने बच्चों को सम्मानित भी किया आपको कई लोगों ने? सर किया, कहाँ किया सर, सभी जगह जहाँ भी जाओ वहीं पे मुश्किल है। कहाँ आप आए, कहाँ से हैं? कटरा से आए सर। ब्लॉक कटरा से आए जी सर। तो ये सारे लोग जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं ये अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं? जी सर, अलग अलग ब्लॉक से हैं। सर हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें चाहिए पे चाहिए, मंथली बेसिस चाहिए हमें। तो ये इनका ये भी कहना है कि हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें मंथली बेसिस पे जो फिक्स अमाउंट है वो दिया जाए। और अलग अलग ब्लॉक से ये आज आए हुए हैं जम्मू डिवीजन की, और एक जोरदार यहाँ पर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराजगी भी साफ इनके चेहरे के ऊपर नजर आ रही होगी आप सबको जो जम्मू परिवर्तन देख रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अबरोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।